अगर कोई मूवी सुपर हिट हो जाती है और उसके बाद में अगर उसका सीक्वल आता है तो ज्यादातर टाइम चांसेस होते हैं कि वो भी सुपर हिट ही हो। लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन है कि आपको स्टार्स वही रखने होते हैं जो कि आपने पहली मूवी के अंदर रखे हैं। अगर आप मूवी में स्टार्स को रिप्लेस कर लेते हो तो आप बहुत बड़ा कदम उठा रहे हो सकता है कि आपकी मूवी बुरी तरीके से पिट भी जाए। और ऐसा एक सीक्वल आया था भूल भुलैया मूवी का, भूल भुलैया 2, जिसमें कि अक्षय कुमार को रिप्लेस करके रखा गया था कार्तिक आर्यन को। अगर कौन सी मूवी ज्यादा बढ़िया है आपको वीडियो में आगे बताते हैं। पार्ट 1 में कॉमेडी का रोल दिया गया था अक्षय कुमार को और इनसे अच्छा कॉमेडी रोल पूरे बॉलीवुड में कोई नहीं कर सकता, भले ही ये बंदा दूसरे रोल की वाट लगा देता हो, पर कॉमेडी में बंदे का मुकाबला नहीं। सीक्वल के अंदर यही रोल दिया गया था कार्तिक आर्यन को, जो कि एक एवरेज लेवल की कॉमेडी कर लेता है। भूल भुलैया 1 का टाइटल ट्रैक काफी मस्त था और उसी की कॉपी करके निकाला गया टाइटल ट्रैक 2, जिसको कि लोगों ने ज्यादा प्यार दिखाया। भूल भुलैया 1 में विद्या बालन ने मंजुलिका का रोल बेहतरीन तरीके से निभाया था, लेकिन 2 के अंदर मंजुलिका के रोल के साथ खिलवाड़ कर दिया। पार्ट 1 के कंपैरिजन में पार्ट 2 ने ज्यादा कमाई की है। ऐसे आपको कौन सी मूवी ज्यादा बढ़िया लगती है कमेंट में बताइए।